था, दूसरा नुस्खा मेरा था कुश्ता घी का, और तीसरा मैंने डायमंड बनाना बताया था, जो कटर वाले ब्लेड के अंदर से डायमंड निकलता है। बड़े दोस्तों ने बनाया और मुस्तफीद हुए हैं। आज भी तीन नुस्खा जात हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तीनों का प्रैक्टिकल करें, नहीं तो दो जरूर बना के दिखाएंगे, बयान में तीनों कर देता हूँ। सबसे पहला मेरा नुस्खा है अबरक स्याह का पारा निकालना। अबरक स्याह भट्टी में भी पिघलता नहीं है, बड़ी दुनिया कोशिश कर रही है कि अबरक का पारा किसी हालत में निकल आए, तो ये पारा निकलेगा जिसका दर्जा पिघलाओ सिक्के का दर्जा पिघलाओ जितना होगा, और नरम मुलायम इतना होगा कि इसकी बारीक धागे जितनी बारीक तार खींचे तो तार बनेगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अबरक स्याह का पारा आपके हाथ में होगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। आपने 1 तोला कलमी छोड़ा, 1 तोला नशागर ठीकरी, 1 तोला सुहागा, 1 तोला टाटरी, 1 तोला फटकरी और 1 तोला हड़ताल भर किया। ये अदवियां लेनी है, इनको पीस के जगजाम कर लेना और रेत के अंदर प्याली में डाल के आधा पाव पानी डाल के पकाना। जब पानी खुश्क हो जाए धुआं निकलना शुरू हो चूल्हा बंद कर, इस सफूफ को पीस के रख लें, आपकी अक्सीर तैयार हो गई। एक पाव का डला लें अबरक स्याह का, थाली में रख के भट्टी में रख लें। जब अबरक स्याह का डला एक पाव का भट्टी में अंगारे की मानक सुर्ख हो जाए तो इसके ऊपर 1 चम्मच सरफूफ डालेंगे, आपके सामने देखते देखते 1 पाव का डला पिघल के पानी हो जाएगा और उसमें से जो पारा होगा सारा निकल के नीचे बैठ जाएगा। ये पारा अबरक स्याह का निकल आया। इस पारे में पुराने वक्तों में ऐसे जो पारे होते थे या फिर कुछ लोग बावासीनी छल्ले बनाते थे, वो 3-4-5 दाते मिला के बनाया जाता था। अबरक स्याह में 9 दाते मौजूद है, इसी तरह मोर के परों में 9 दाते मौजूद है, सुरमा सफेद में 9 दाते मौजूद है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इनमें क्या जुज पाए जाते हैं। अभी हमने ये पारा निकाला है जिसका दर्जा पिघलाओ सिक्के जितना है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि हमने ये प्लाटिनियम बना लिया, व्हाइट गोल्ड बना लिया, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है, वो गलत सोचते हैं। 1 तोला जिस्त ले लें कच्चा, उसको पिघला के 1 तोला ये अबरक का पारा ऊपर डालें, ये छल बंद हो जाए, तो ये आपका जिस्त पारा छल बंद हो गया, जो पारा क्यामत तक जिस्त को नहीं छोड़ेगा। कितना मर्जी भट्टी पे चरख दे लें, जिस्त पारा बावजूद रहेंगे, ये जिस्त को कायम भी कर देगा तजावी भी कर देगा। अब जिस्त पारा छल बंद हो गया, इस जिस्त पारे को कुठाली में डाल के भट्टी पे पिघलाएं और 60 ग्राम आंवला सर कच्ची गंदे की चुटकियां देकर सलाद फेरें, आपका जिस्त पारा 15 से 20 मिनट में भट्टी के ऊपर सुर्ख रंग का कुश्ता तैयार हो जाता है, जो कायाकल्प प्रसिद्ध है। ये आपका जिस्त पारे का कुश्ता तैयार हो गया इसे, तो अभी अबरक का पारा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल निकाल के दिखाएंगे, बाकी जो है आगे मैंने 4 बता दी है। यही अबरक का पारा अगर सिक्के के साथ छालबंद किया जाए तो वो भी आगे कुश्ता हो सकता है, अगर कली के साथ छालबंद करके सिमर पार सफेद की चुटकियां दे तो कली पारा आवेदन आपका कुश्ता हो जाएगा, तो जो कायाकल्प सीरे होंगी। ये हमारा पहला नुस्खा है। इसके बाद मेरा दूसरा नुस्खा है कि मैं सिक्का लेके आया हूँ और सिमर पार सफेद हमने कायम किया है, 12 ग्राम सिक्का डलाएंगे, सिंबल फार पीस के चुटकी देते जाएंगे, सिंबल फार का संख्या धुआं बन के उड़ता जाएगा और सिंबल फार का पारा सिक्के के अंदर शामिल होता जाएगा। जब सिक्के का वजन 12 ग्राम से 24 ग्राम हो जाए तो ये आपका कायम पारा छाल बंद हो गया सिक्के में। पहले हमने अबरक स्याह का पारा दिया, अभी हम सिंबल फार का पारा दे रहे हैं। जो कहते हैं कि लड़का कायम पारा नहीं बनता, वो सिंबल फार से काम ले रही, उसका पारा कायम है सिक्के में, दे छल बंद हो गया है, उसको आगे अदबिया दे के कुश्ता करें तो आपका ये सिक्का पारा बावजन कुश्ता हो गया, तो अक्सीर अक्सीर है। इसको आगे हीरे की रत्ती मारें, जो मेरा सरकारी वाला हीरा है,
उसको मार के इसको कढ़ाई में भूने तो सिक्का 12 बार बदल कुछ तो हो जाता है जो आपकी बेहतरीन नक्शी है। तो ये दूसरा नुस्खा मेरा है।